हाँ भाई, ये अमोल का समान वार वार नहीं मिलता गा। इंसानी जामा बड़ा उत्तम है। अगर असी इस दे विच बैठ के इंसाना वाले कर्म करिए, नाम की कमाई करिए, असी तरक्की कर जाने हैं, इस नूं सफल बना जाने हैं। जे इस दे विच बैठ के असी पशु पंछियों वाले कर्म करते हैं, उन्हां दे जामें विच अवाची जाके असी जन्म ले लैने हैं। प्रभु परमात्मा ने इंसान की रचना इन्नी सियाणप और समझ नाल करी है। जो कुछ बाहर असी अखां दे नाल देख रहे हैं, इस नूं अंदर भी सूक्ष्म रूप दे विच रख दिता है। जो कुछ असी बाहर देखते हैं वह शरीर के अंदर भी है। पिता महात्मा जी कहिंदे है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। हजरत ईसा ने भी कहा कि परमात्मा की दरगाह थोड़े अंदर है। जदों असी अपने फैले ख्याल में सिमरन के जरिए अखां दे पिछे लियाने हैं, बड़ी आसानी दे नाल उस ब्रह्मंड का नज़ारा देख सकते हैं। और महात्मा सानू दसदे है कि ये अंदर किताब की तरह खुल जाता है, अंदर जाके कोई शक नहीं रहिंदा गा। ये रूहानी नक्शा साढ़े तीसरे तिल मन दियों डुबाइया दे पिछे है। और साडा जो जानी दुश्मन मन है, इनू बाहर पटकन की आदत पई हुई है। ये सानू अंदर ही नहीं वड़न दिंदा गा। वह कादर, वह परमात्मा सूक्ष्म रूप अंदर वह भी शरीर दे विच ही बैठा है। अज तक ना कदे बाहरों किसी नू मिलिया, ना मिल ही सकता है। हाँ बे, मन नू शांत करो। रोज की तरह शांत मन ही अभ्यास कर सकता है। अभ्यास नू बोझा ना समझो, प्रेम प्यार ना करो। अभ्यास दे वक्त मन बाहर गलियां बाजारां दुनिया विच ना पटकन दे। तीसरे तिल ते एकागर करो।